ये हैं वो तीन जादुई फल जो ट्रॉपिकल दुनिया में पाए जाते हैं। अगर आप इसको लें तो सिस्टम की सफाई हो जाएगी। ये सच में जादुई चीज है। एक लिम्फैटिक या लसिका सिस्टम होता है जो आपके शरीर में तरल पदार्थों को मैनेज करता है और उन बाहरी सूक्ष्म जीवों से निपटता है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं और उन चोटों और सूजन या जलन जैसी तकलीफों का भी ख्याल रखता है जो हो जाती हैं। चोट यानी केवल बाहरी चोटें नहीं बल्कि कोशिकाओं के स्तर पर भी सूजन होती है, उसका भी लगातार ख्याल रखा जाना होता है। और ये उन अवशेषों का भी ख्याल रखता है जो तमाम नष्ट कोशिकाओं के अवशेष जो शरीर में रह गए हैं उनकी सफाई जरूरी है, नहीं तो वो इकट्ठा होकर जहरीले बन जाएंगे। और ये कैंसर की कोशिकाओं को भी संभालता है। तो निश्चित ही लिम्फैटिक सिस्टम या लसिका सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि जाहिर है हमारी सेहत अच्छी रहे। पर आप में जीवंतता बनी रहने के लिए लिम्फैटिक सिस्टम को सक्रिय होना चाहिए। तो लिम्फैटिक सिस्टम के अंगों में सबसे महत्वपूर्ण है स्प्लीन या तिल्ली, और दूसरी चीजें आपने शायद निकलवा दी होंगी। आपके टॉन्सिल्स होते हैं, आपके अभी भी हैं या निकल गए? आपका अपेंडिक्स है या गया? क्योंकि अब इन दिनों डॉक्टर ऐसा नहीं कर रहे हैं, वरना जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो वो कहते थे कि ये करना आम बात है, आप जैसे ही 13-14 के हुए हम आपके टॉन्सिल्स निकाल देते हैं। हमारे सारे भाई बहनों में केवल मैं बचा था जिसने इन्हें ही निकलवाए। बस ऐसे ही वो टॉन्सिल्स निकाल देते थे, अपेंडिक्स हटा देते थे। अगर किसी और सर्जरी के लिए उन्होंने आपको खोला तो साथ में अपेंडिक्स भी निकाल दिया। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हुआ करती थी। गनीमत है अब ऐसा नहीं है। तो ये सभी वो अंग हैं जो आपके लिम्फैटिक सिस्टम को मैनेज करते हैं। इसे अच्छी कंडीशन में रखना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि शरीर में उल्लास का होना क्या है, नहीं तो ये है ना माँ ये बिना आपके जाने समझे क्या हो रहा है ये ऐसा होता चला जाएगा जैसे एक बीमार मुर्गी होती है ना, वैसे आप हो जाएंगे। और तब अगर मैंने आपको आंखें बंद करके ध्यानमय होने के लिए बोला, यस, क्योंकि शरीर को एक स्तर की जीवंतता में बनाए रखना और शरीर को शुद्ध करने वाले सिस्टम का अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपको आंखें बंद करके सचेत बैठना है तो, क्योंकि एक साधक के लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती है नींद। नहीं कोई है कोई इशारे से ऐसे कर रहा है, नहीं सदगुरु मोबाइल फोन। मैं ध्यान में तो बैठना चाहता हूं पर वो एक अलग समस्या है। पर सिस्टम के अंदर जिसको लंबे समय तक ध्यान में बैठना है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है नींद। अगर आंखें बंद रख कर भी जीवंत और सचेत बने रहना है तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी लिम्फैटिक प्रक्रिया सक्रियता से चल रही है और शरीर में पर्याप्त शुद्धि हो रही है। इसीलिए आपकी सुबह की साधना इतनी जरूरी है, खासकर अगर आप हठ योग, सूर्य क्रिया और शक्ति चलन क्रिया कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपका लिम्फैटिक सिस्टम बढ़िया है। साधना इसका पक्का ख्याल रखेगी। अगर आप 45-50 से नीचे के हैं तो साधना पर्याप्त है, इससे लगभग सारा काम हो जाएगा। पर अगर आपने साधना देर से शुरू की है, रिटायरमेंट के टाइम पर आपने इसे शुरू किया है, तब शायद थोड़ी और हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आप ये पक्का करें कि आप अपनी प्यास से थोड़ा ज्यादा पानी पी रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा, लगभग 20-25% ज्यादा पानी पिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पर्याप्त पानी पी रहा हूं? अगर आप कोई दवा या वैसी चीज नहीं ले रहे हैं और पर्याप्त पानी पी रहे हैं तो आपका यूरिन या मूत्र बिल्कुल पानी जैसा दिखेगा, इसमें कोई कलर नहीं होगा। अगर आप कोई दवाई नहीं ले रहे हैं तो इसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल पानी जैसा होना चाहिए। अगर यह ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि शरीर के द्रव अच्छे से मैनेज हों, क्योंकि इन द्रवों का शरीर में बहना बहुत जरूरी है ताकि जमा हुआ सारा कचरा साफ हो जाए, जो कि जमा होता जाता है। केवल शरीर के रोजमर्रा के काम में इतने सारे अवशेष इकट्ठा हो जाते हैं, इतनी सारी अशुद्धियां होती हैं कि इनकी बढ़िया से सफाई होना बहुत जरूरी है।
अगर आप में से बहुतों के लिए ये अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि कम से कम कुछ के लिए ऐसा है, अगर आप 35 से 40 साल के नीचे के हैं तो ये होना चाहिए। आपको थोड़ा और जल्दी उठकर और साधना करनी चाहिए, नहीं तो एक चीज है जिसे त्रिफला कहते हैं। ये ट्रॉपिकल दुनिया के 3 जादुई फल हैं। इन्हें सही मात्रा में मिलाकर त्रिफला को अगर आप थोड़े से पानी के साथ या एक चम्मच दूध के साथ या किसी चीज या शहद के साथ भी ले सकते हैं, अगर आप इसे लें तो सिस्टम की सफाई हो जाएगी। ये सच में जादुई है। मैं क्योंकि मैं तो इसमें से कुछ लेता नहीं, पर लोग मुझे बता रहे हैं कि जो त्रिफला यहाँ उपलब्ध है यहाँ दुकान में, वो बहुत बहुत बढ़िया है, इसे होना चाहिए। मुझे तो नहीं पता, पर आपको ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए, नहीं तो ये जहाँ भी मिले ये त्रिफला कमाल करता है और ये आपके लिम्फैटिक सिस्टम को सक्रिय कर देता है।